सो हेलो भाई लोग, अगेन न्यू कमल की वीडियो के साथ। और आज जो मैं इस टाइप की फोटो एडिटिंग, अगर आप लोग जो अपने फोटो को इस टाइप से एडिट करना चाहते हो एंड इस वाले वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, आप लोग इस टाइप की एडिटिंग बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एंड वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली थी, वीडियो से लाइक कर दो और इससे बिल्कुल चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं एंड सिंपल वाले फोटो देख सकते हो, इस टाइप की फोटो हम इस टाइप से एडिट करने वाले, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड नॉर्मल वाले फोटो को आप लोग यहाँ पर लाइट रूम पर शेयर कर लेना, ठीक है। हम इस वाले फोटो को लाइट रूम पर शेयर कर लेते हैं। तो लाइट रूम एप्लीकेशन में आने के बाद आपको यहाँ पर एक प्रीसेट मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले प्रीसेट की सेटिंग को बुक कर लेना है कॉफ़ी, हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं कॉफ़ी यहाँ पर और इसको डन कर लेते हैं। एंड यहाँ पर जाकर आपको इस वाले प्रीसेट को पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। प्रीसेट पेस्ट होने के बाद आपका फोटो इस टाइप से रेडी होकर आ जाएगा एंड आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सेटिंग कर सकते हो, लाइट के एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कर लेना, इसके बाद इफेक्ट पर आके आप लोग इसका जो विनेट को हल्का सा कम कर लेना इस टाइप से, इसके बैक कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ से आपका काम हो गया एंड इस वाले फोटो को आपको शेयर करना जी आप स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। हम स्नैपचैट पे इस वाले फोटो को शेयर कर लेते हैं। स्नैपचैट में आने के बाद आपको यहाँ पर जो टूल्स के अंदर जाना है एंड आपको टू इमेज पर क्लिक कर देना, ठीक है। एंड सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो है हाईलाइट्स को बढ़ा देना एंड इसके एम्बियंस को एंड इसके शेटरिंग को भी एंड इसके ब्राइटनेस को भी, ठीक है, इस टाइप से बढ़ा देना एंड इसके जो है शेडो को भी बढ़ा देना इस टाइप से और उसको डन कर लेना। एंड डन करने बाद आप लोग यहाँ पर इसको जो है लेंस ब्लर के अंदर जाना एंड यहाँ पर जो इसको इस टाइप से रख लेना, ठीक है। एंड इसको विग्रेट को हल्का सा इस टाइप से रख लेना 8% और ब्लर को देख लेना फोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं इस टाइप से कर लेता हूँ और इसके यहाँ पर डन कर लेता हूँ। एंड डन करने बाद ऊपर आपको क्लिक करना है, व्यू एडिट पर जाना है और आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको इस टाइप से कर लेना, ठीक है, बैकग्राउंड में इस टाइप से आपको करना है। एंड इसको यहाँ पर डन कर लेता हूँ एंड इसको बैक कर लेता हूँ। एंड देख सकते हो फोटो बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी। एंड मैं यहाँ पर जो सेलेक्ट टूल यूज़ कर लेता हूँ, जहाँ पर ब्लैक है बस वहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ इस टाइप से और ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ और उसके बाद डन कर लेता हूँ। एंड डिटेल्स के अंदर जाना आपको अभी इस टाइप से आपको डिटेल्स को बढ़ा देना है और उसके यहाँ पर डन कर लेना है। एंड देख सकते हो अभी फोटो बहुत ही बढ़िया लग रहा है एंड अभी आपको इस वाले फोटो को शेयर करना है ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। तो ऑटोडेस्क में आने के बाद आपको यहाँ पर ब्रश के अंदर जाना है और आज जो आपको एक सीक्रेट ब्रश दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट ब्रश देने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से फेस स्मूथ कर सकते हो, जो ये वाला ब्रश है, ठीक है। यहाँ पर जो सेटिंग के अंदर जाना एंड यहाँ पर आपको स्मच कर लेना है इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर जिससे तो मेरा जो स्मच है अब स्मच कर लेना एंड यहाँ से मैं लाइब्रेरी के अंदर जाता हूँ और सेटिंग को आप लोग अच्छे से देख लो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो इस टाइप से सेटिंग रख लेना और इसके यहाँ से कर लेना बैक एंड फोटो कर लेना जूम। फोटो को जूम करने के बाद अपने जो यहाँ पर अपने हिसाब से आप साइज को थोड़ा रख लेना ब्रश की एंड आप लोग यहाँ पर जो इस टाइप से फेस स्मूथ कर लेना, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप लोग फेस स्मूथ कर लेना एंड देखना आपका फेस देखना कितना अच्छा स्मूथ हो जाता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो हमारा बहुत ही अच्छा फेस स्मूथ हो रहा है। इस टाइप से आप लोग भी बहुत ही अच्छी तरीके से फेस स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर फेस स्मूथ कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। तब तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फेस की स्मूथ करना कंप्लीट हो गया एंड अभी आप लोगों को इस वाले फोटो को सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद आप लोग इस वाले फोटो को शेयर कर लेना पिक्सार एप्लीकेशन के अंदर। तो हम पिक्सार में शेयर कर लेंगे। तो पिक्सार एप्लीकेशन में आने के बाद आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर जाना है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोग इंटरनेट को ऑन कर लेना, ठीक है। इंटरनेट को ऑन कर लेना सबसे पहले एंड आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर थोड़ा लोडिंग लेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर इसके साइज को अपने हिसाब से कर लेना फोटो के अकॉर्डिंग एंड आप लोग इस टाइप से रख लेना, ठीक है। इस टाइप से रख लेना एंड फोटो को देखना कितना अच्छा हो जाता है। मैं इस टाइप से कर लेता हूँ यहाँ पर एंड आपको जितना चाहिए आप लोग उतना रख लेना। मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत रख लेता हूँ, इतना नहीं रखूँगा नहीं तो फोटो बहुत ही बेकार सा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ करके देता हूँ ऐसे करके, ठीक है।
ऐसे करके देता हूँ, ऐसे ऐसे। एंड अभी आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप लोग दे देना। मैं इसको जो है साइज को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ इस टाइप से एंड यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ। ये फ़ोटो में बहुत ही अच्छा लुक देता है इस टाइप। आपको जितना चाहिए उतना रख सकते हो, ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए वो भी रख सकते हो। एंड मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं इसका जो कम कर लेता हूँ, इस साइड में थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसका हम साइज़ को थोड़ा कम कर लेते हैं, इस टाइप से कर लेते हैं, ठीक है, देख सकते हो आप छोटा बड़ा जो भी अपने हिसाब से कर सकते हो। फोटो के अकॉर्डिंग इस टाइप से कर सकते हो एंड यहाँ पर बुके इफेक्ट भी लगा सकते हो। ये वाला बुके इफेक्ट है, ये व्हाइट वाला है, ये येलो वाला कलर का है, ठीक है, को जो अच्छा लगे उसी कलर में कर सकते हो यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है, देख सकते हो बुके इफेक्ट हो गया इस टाइप से, इस टाइप से देख सकते हो। मैंने आपको सीक्रेट ब्रश भी दिखा दिया एंड इस टाइप से एडिट करना भी सिखा दिया, देख सकते हो। बहुत ही अच्छा चैनल, मैं हमेशा सिखाते रहता हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ऐसे ट्रिक जो आपको हमेशा बताते रहता हूँ, ठीक है, तो आप लोग इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस टाइप से कर लेता हूँ एंड देख सकते हो फोटो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत कर लेना, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो फोटो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं इसको फिलहाल डन कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हो हमारा फोटो बहुत ही बढ़िया लग रहा है एंड इस वाले फोटो को सेव करके लाइटरूम पर शेयर कर लेना, ठीक है। हम इस वाले फोटो को सेव करके लाइटरूम पर शेयर कर लेते हैं। तो लाइटरूम आने के बाद आपको यहाँ पर जो लाइट्स के अंदर क्लिक करना है, लाइट के अंदर क्लिक करने के बाद आप लोग इसके शेडो को बढ़ा देना और इसके हाईलाइट्स को कम कर लेना आप लोग, ठीक है। एंड आप लोग इसके व्हाइट्स को भी कम कर लेना एंड इसके ब्लैक को भी हल्का सा कम कर लेना, ठीक है। एंड आप लोग इस पुजर को हल्का सा बढ़ा देना एंड इसके बैक कर लेना। एंड कलर्स के अंदर जाना है, मिक्स के अंदर सेलेक्ट करना है, शेप चेंज को बढ़ा देना इसका एंड इसके नेम एंड इसको भी, ठीक है। एंड दूसरे कलर के अंदर जाना एंड इसका जो आप लोग नेम एंड इसको हल्का सा बढ़ा देना एंड आप लोग येलो कलर को शेप चेंज को बढ़ा देना, ठीक है, और ग्रीन का भी बढ़ा देना इस टाइप से एंड ग्रीन का ह्यू को माइनस कर लेना है इस टाइप से। इन दोनों को बढ़ा देना और इसको डन कर लेना यहाँ पर, उसको बैक कर लेना एंड आप लोग यहाँ पर मास्किंग का यूज़ कर लेना एंड यहाँ से जो आपको इस टाइप से कर लेना है एंड इसके एक्सपोजर को हल्का सा कम कर लेना इस टाइप से और उसको डन कर लेना। एंड आप लोगों को इफेक्ट के अंदर जाना और उसके फिंगरनेट को हल्का सा कम एंड इसको बैक लेना, डिटेल्स के अंदर जाकर शार्पनेस को 100% कर लेना, ठीक है, इस टाइप से। एंड फोटो को देखना क्लियरिटी बहुत ही अच्छा आएगा एंड फोटो भी बहुत ही बड़ी लगेगा, ठीक है। आपको शार्पनेस ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप हल्का सा दे देना, ठीक है, लेकिन शार्पनेस को दे देना हमेशा एंड फोटो का क्लियरिटी बहुत ही अच्छा आएगा एंड जिससे तो फोटो बहुत ही बड़ी लगा है। एंड आप लोग भी इस टाइप से अगर और भी एडिट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना।